आज के समय में बालों का झड़ना और टूटना नॉर्मल हो गया है, लेकिन यही झड़ना और टूटना अगर जरूरत से ज्यादा होने लगे तो गंभीर समस्या बन सकती है, और अगर इसका सही समय पे ध्यान ना दिया जाए तो ये और ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो बालों का झड़ना या फिर उनका टूटना या सफ़ेद होना, ये होता है आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड। लंबे और काले बाल या फिर हेल्दी बाल आज के टाइम में कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे हो, घने हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। तो हेल्दी रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, यानी कि लगभग 8 से 10 गिलास पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए ताकि आपके बाल हेल्दी रह सकें। एंड इसके अलावा आपको साग सब्जियाँ भी खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, सीजनेबल जो होते हैं वो। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बेहतर ये पैक। बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए फर्मेंटेड राइस वाटर, यानी कि आपको लेना है यहाँ पे एक बाउल। बाउल में डालना है चावल और चावल को थोड़े से चावलों को पानी में डिप करके अच्छे से 2 से 3 घंटे तक भिगो के छोड़ देना है। इसके बाद आपको चावल को और पानी को सेपरेट कर लेना है। तो हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर रेडी हो गया है। ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, आपके बालों की शाइन बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये जो हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसमें अभी 2 और अच्छी और बेनिफिशियल यानी कि इंस्टेंटली इफ़ेक्ट देने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है राइस वाटर। सो ये है 1/2 बोल। एंड इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है एलोवेरा जेल। सो आप एलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे आप पतंजलि का ले सकते हैं, अगर आपके पास ग्रीन वाला नहीं है तो आप गोल्डन वाला भी ले सकते हैं, या फिर आप वाइट भी ले सकते हैं जैसे कि मैं ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का यूज़ किया है। पहले तो हम 1/2 स्पून इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है। सो आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा जेल जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। लोग इसको स्किन के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर को लॉक नहीं होने देता है, यानी कि मॉइस्चर बनाए रखता है, और स्किन को 1 शेड इवन टोन, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। सो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हैं, तो आप विटामिन ई की 2 कैप्सूल इसमें ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपके बाल हल्के से थोड़े से रूखे हैं और बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि न्यू बाल नहीं आ रहे हैं, सो आप इसमें ऐड कीजिए 1 विटामिन ई की कैप्सूल। सो आप इसे अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि विटामिन आपको सूट नहीं करता है तो आप ओनली 1 डालिए, नहीं तो 2 ज़रूर डालिए। सो इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो हमने 1 कैप्सूल डाल दी विटामिन ई की इस वाटर में, और फिर इन्हें अच्छे से यहाँ पे आपको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। सो किसी कॉटन बॉल से आपको अपने पूरे स्कैल्प में और सबसे ज़्यादा बालों के नीचे हिस्से में आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम कोई भी पैक वगैरह लगाते हैं तो नीचे के हिस्से में पहुंच नहीं पाता है और सारा का सारा हमारी जड़ों में स्कैल्प में ही वहाँ पे इसको अच्छे से मिल जाता है। लेकिन जहाँ बालों के नीचे की होती है, जहाँ हमारे बाल मेनली तरीके से स्टार्ट होते हैं बढ़ने के लिए, वहाँ पे इनका पोषण नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये डैमेज भी होते हैं, रूखे भी होते हैं और बालों की जो ग्रोथिंग है वो भी रुक जाती है। सो आपको इस तरीके से करके आप चाहें तो इसे अपने फिंगर से भी अपने बालों में अच्छे से मसाजिंग कर सकते हैं, पूरे बालों में अपने अच्छे से मसाज कर सकते हैं, स्कैल्प में, रूट्स में, बालों की हेयर वॉल्यूम में लगाएंगे। एंड या फिर आप चाहें तो किसी कॉटन बॉल की हेल्प ले सकते हैं, उसके द्वारा अपने बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने की 1 घंटे तक आपको इसको छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको नॉर्मल वॉश कर लेना है प्लेन वाटर से। आपको यहाँ पे शैम्पू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आपको शैम्पू यूज़ भी नहीं करना है, शैम्पू आपको नेक्स्ट डे यूज़ करना है।
इस तरीके से हफ्ते में केवल 2 बार अगर इस्तेमाल करेंगे इसका, तो जितने भी बालों की समस्याएं हैं, चाहे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भरे हैं, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो इससे डैंड्रफ भी दूर हो जाएगी। बाल आपके बहुत ज़्यादा पतले हैं और बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, बंद हो गए हैं, बहुत कुछ कर लिया है फिर भी बालों की ग्रोथ बिल्कुल पता नहीं चल रही है, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो है बहुत ही तेजी से बढ़ने स्टार्ट होंगे और साथ ही साथ चमकीले भी रहेंगे, बाल सॉफ्ट रहेंगे, सीरम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपको कंडीशनर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये राइस वाटर वाला जो रेमेडी है वो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ढेर सारा और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोग इसके बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।